हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 18, डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप। रेस्पेक्ट मींस एक्सेप्टिंग इंडिविजुअलिटी एंड डूइंग राइट इवैल्यूएशन। अभी हमने लेक्चर नंबर 17 में रेस्पेक्ट को डिस्कस किया था, तो वहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे इस लेक्चर में। वहीं से कंटिन्यूएशन में हमारा ये टॉपिक चलेगा। रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना, और दूसरा किसी भी पर्सन का राइट इवैल्यूएशन करना, वो जैसा है उसका वैसा ही इवैल्यूएशन कर पाना, ये रेस्पेक्ट होता है। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो हम बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा हम डिस्कस करते हैं कि रेस्पेक्ट क्या होना चाहिए, सम्मान क्या होना चाहिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेस्पेक्ट बीइंग अ बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और वन ऑफ राइट इवैल्यूएशन, वी हैव मेड इट इनटू समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिफरेंशिएट। एक्चुअल में जब हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, द अदर इज सिमिलर टू मी, सामने वाला पर्सन या जिसके साथ में रिलेशन में हूँ या जिसके साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, वो पर्सन भी बिल्कुल मेरे जैसा है। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि हम कहीं ना कहीं उसको अपने जैसा ना समझ के हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। बाय रिस्पेक्टिंग यू मीन यू आर डूइंग समथिंग स्पेशल। और रिस्पेक्ट को हमने कैसे समझा हुआ है, रिस्पेक्ट को हमने ये समझा है कि कोई पर्सन जो है कुछ स्पेशल करेगा तो हम उसका सम्मान करेंगे, तो उसका रिस्पेक्ट होगा। आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो यही है। अगर कोई पर्सन जो है बिल्कुल स्पेशल कर रहा है, दूसरे लोगों से हटकर कर रहा है, तो हम उसे सम्मान देंगे, अदरवाइज उसे हम सम्मान नहीं देंगे। क्योंकि आप स्पेशल हो, क्योंकि आपके अंदर एक स्पेशलिटी है, ठीक है, तो उसके बेस पे आपका रिस्पेक्ट हो रहा है, उसके बेस पे आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन उसको हम राइट इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। ऑल ऑफ अस आर रनिंग अराउंड सीकिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम वन अनदर बाय ट्राइंग टू बिकम समथिंग स्पेशल। इसीलिए हम दूसरों से सम्मान पाने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा स्पेशल करते रहते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि रिस्पेक्ट स्पेशल करना चाहते हैं, है ना, स्पेशल करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट होगा। दूसरा, जहां पर रिस्पेक्ट नहीं होगा रिलेशनशिप में, वहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली डिफरेंशिएशन की बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंशिएशन जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, भेदभाव जो होता है, वो कितने बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले इसमें एक ये छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसको देख लेते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये तीन तरीके से हम लोग लोगों के अंदर भेदभाव करते हैं, बॉडी के बेस पे, फिजिकल फैसिलिटी के बेस पे, या बिलीफ्स के बेसिस पे। ठीक है, बॉडी के बेसिस पे करेंगे तो रेस कैसी है, जेंडर क्या है, एज क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, इनके बेसिस पे हम भेदभाव करते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज की बात करें तो वेल्थ और पोस्ट, और बिलीफ्स की बात करें, कुछ हमने माना हुआ है या विचारों के बेसिस पे करें, तो इस और सेक्ट। तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे ह्यूमन बीइंग जो है एक दूसरे से करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी में फर्स्ट है हमारा रेस। इफ द पर्सन इज ऑफ द सेम रेस एज वन सेल्फ, देन वी ट्रीट देम डिफरेंटली। मान लीजिए एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और दोनों पर्सन एक ही रेस के हैं, तो उनका जो आपस में ट्रीटमेंट का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन सामने वाला पर्सन जो है वो दूसरी रेस का है, तो ट्रीटमेंट का तरीका जो है वो अलग हो जाएगा, इंटरेक्शन का तरीका अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके बेस पे, स्किन कलर के बेस पे, कि पर्सन वाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है, या हम कहते हैं आर्यन रेस का है या मंगोलियन रेस का है। ठीक है, या फिर हम कास्ट के बेस पे भी क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, अगेन हेयर वी डोंट डू द इवेल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ आई बट ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हम जो पूरा इवेल्यूएशन कर रहे हैं, है ना, पर्सन का, वो बॉडी के बेस पे कर रहे हैं कि भाई कलर कैसा है, किस रेस का है, किस कास्ट का है, सेल्फ के बेसिस पे तो कर ही नहीं रहे। अगर सेल्फ के बेसिस पे हम इवेल्युएट करेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि सारे पर्सन जो है वो सेम है, अदर इज सिमिलर टू मी। सेकेंड है जेंडर, जेंडर के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना,
हम ये नहीं देख रहे कि जो मेल और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी के बेस पे करते हैं, सेल्फ के बेस पे नहीं करते, है ना। तो कई जगह हमने देखा होगा कहीं पे जनरली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी मिलती है, वुमेन्स को वीक समझा जाता है, ठीक है। और कहीं पे ऐसा होता है, कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी में ऐसा भी होता है, फीमेल डोमिनेट करती है ना। वहां पे जो है जनरली फीमेल्स जो होती हैं उनको सुपीरियर माना जाता है, ठीक है। तो ये जेंडर के बेस पे हो गया। थर्ड है एज। एज के बेस पे अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो वहां पर भी क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। जैसे जो बड़े हैं, वन मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स, देयर इज नो सच नोशन एज रेस्पेक्ट यंगस्टर, है ना। बड़ों के लिए तो हमें ये सिखाया ही जाता है कि बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि छोटों का फिर रिस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये जो हम कर रहे हैं ये बॉडी की एज के ऊपर कर रहे हैं, सेल्फ के बेस पे नहीं कर रहे। सेल्फ के बेस पे अगर करेंगे तो ये डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा। उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ है। फिजिकल स्ट्रेंथ भी बॉडी के बेस पे हो रहा है। इफ समवन इज स्ट्रॉन्गर वी अगेन ट्रीट हिम हर डिफरेंटली। अगर कोई हमारे सामने स्ट्रॉन्गर पर्सन आ जाता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कोई वीक पर्सन आता है तो हम उसका एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट वी थिंक दैट वी आर रिस्पेक्टिंग द अदर वाइल इट इज अ फियर। हमें तो लगता है कि हम सामने वाले का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो डर है, उसको हमने रिस्पेक्ट नहीं बोले। ना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, इसमें पहला है वेल्थ। स्टेटस के बेस पे हम लोगों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जिसका सोसाइटी के अंदर जितना ज्यादा स्टेटस हाई है उसकी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है। और अगर पर्सन जो है पुअर है, गरीब है ना, फिजिकल फैसिलिटीज उसके पास कम है, तो वो पर्सन कैसा है उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सोसाइटी का आजकल का सिनेरियो है। Whether such person are feeling prosperous or if they just have wealth, this way we are over-evaluating physical facilities first, which are just mean to fulfill the needs of the body. तो physical facilities को हम क्या कर रहे हैं, over-evaluate कर रहे हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि physical facilities तो body की needs को पूरा करने के लिए होती हैं, उससे respect नहीं मिलती है। Wealth के बाद है post। अगर किसी office में देख लें तो पोस्ट के बेसिस पे जनरली आपको कई तरह के ह्यूमन बीइंग में डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। मैनेजर होगा, जूनियर मैनेजर होगा, फिर उसके नीचे और सारे वर्कर्स होंगे, ठीक है, सुपरवाइजर होगा, फिर और नीचे वर्कर्स होंगे। इस तरह से डिफरेंशिएशन किया गया है। तो जिस पर्सन के पास जितनी बड़ी पोस्ट है उसका तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो हमसे नीचे वाली पोस्ट पे है उसका हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो हमने एक ये मार्क बना दिया, एक मानक बना दिया है कि पोस्ट है तो पर्सन के अंदर एक्सीलेंस होगी, है ना, तो वहां पे डिफरेंशिएशन हो ही जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पोस्ट बड़ी पोस्ट पे है तो उसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर ज्यादा एक्सीलेंस हो। तो मानक लेकिन तय हो गया है कि पोस्ट बड़ी है तो उस पर्सन के अंदर एक्सीलेंस होगा। द पोस्ट इज कंसिडर इंपॉर्टेंट आइदर ऑन द बेसिस दैट इट गिव्स मोर फिजिकल फैसिलिटी और ऑन द बेसिस दैट सर्टेन पोजिशंस आर एज्यूम टू बी इम्पॉर्टेंट। या तो हमने कुछ पोजिशन को इम्पोर्टेंट मान लिया है या हम फिजिकल फैसिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। इन अवर एजुकेशन वी आर ट्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अर्न पोस्ट फॉर अस टू फैच रिस्पेक्ट। हम कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि या उनको ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको आगे चल के एक बड़ी पोस्ट को अर्न करना है ताकि आपको रिस्पेक्ट मिल सके, जो कि बिल्कुल गलत है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ। इसमें पहला है इस मींस एनी बिलीफ इन टर्म्स ऑफ अ थॉट सिस्टम दैट वी हैव और दैट वी हैव अडॉप्टेड। जैसे हमारे अंदर कई तरह का थॉट सिस्टम एक चलता है, तो पर्टिकुलर लोगों के जब विचार आपस में मिलते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, उसको इस्म बोलते हैं, इस्म, ठीक है। इस्म जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, है ना, सब में ISM लगाया पीछे, तो इसको इज्म बोला है। कि जनरली जो सोशलिज्म को फॉलो करेंगे तो एक विचारधारा के लोग हो गए, कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे एक विचारधारा के हो गए, ठीक है। तो इस तरह से भी लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन हो गया है। तो जो कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे तो वो कैपिटलिस्ट हो गए, जो सोशलिज्म को फॉलो करेंगे वो सोशलिस्ट हो गए, जो कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे वो कम्युनिस्ट हो गए। और इनमें आपस में क्या होता है, विचारों की लड़ाई होती रहती है, ठीक
और विचारों की लड़ाई होती रहती है, इसका मतलब वो एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, सब अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्ट। पीपल ऑफ वन सेक्ट ओनली कंसीडर दोज विद अ सिमिलर बिलीफ सिस्टम टू बी देयर ओन एंड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब सेम सेक्ट के हैं, सेम संप्रदाय के हैं, तो उनके अंदर जो होगा आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। लेकिन अगर सेम समुदाय के नहीं है, संप्रदाय के नहीं है, तो वहां पर अंतर विरोध, आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन और व्हाट वी कॉल एज रिलीजन बिकम्स द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट। अब इस केस में क्या है, जो धर्म है, रिलीजन है, वो बेस बन गया रिस्पेक्ट का। तो सभी लोग क्या चाहते हैं, अपने अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना चाहते हैं कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरा धर्म बेस्ट है। तो आपस में धर्म के बेस पे क्या हो रहा है, लोगों के बीच में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, भेदभाव इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि डिफ्रेंसिएशन से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो अगर रेस के बेस पे डिफ्रेंसिएशन है तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिमांड्स फॉर इक्वालिटी, रेशियल अटैक, मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इस तरह का लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। डिफ्रेंसिएशन बेस्ड ऑन द जेंडर, इश्यू ऑफ वुमेन्स राइट, लोगों के वुमेन्स के लिए जो उनके अधिकार हैं उनके लिए लड़ाई लड़ना, वुमेन्स प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग फॉर इक्वालिटी इन एजुकेशन, वुमेन डिमांड करती हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उनको इक्वल एजुकेशन मिले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले जॉब में, है ना। तो इस तरह के एजिटेशंस हो सकते हैं। फिर डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द एज, प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स डिमांडिंग फॉर इक्वल राइट्स फॉर चिल्ड्रन ऑन द वन हैंड एंड फॉर राइट्स फॉर एल्डरली पीपल ऑन द अदर। जनरेशन गैप की जनरली इसमें बात की गई है। तो एज के बेस पर डिफरेंशिएशन जब हो रहा है तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन है उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और दूसरा एल्डरली पीपल के लिए कह रहे हैं कि उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। वेल्थ के बेसिस पे देखें, ठीक है, तो ये जो एरिया है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है इससे। और वी हैव ऑल अवेयर ऑफ होल डिबेट अराउंड रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्री। रिच कंट्रीज जो हैं वो पुअर कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहती हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज एंड वर्किंग फॉर वेल्थ टू फैच रिस्पेक्ट has led to class struggle and movements to do away with class differentiation. और इस केस में जनरली क्या होता है कि जब ह्यूमन बींग फिजिकल फैसिलिटीज का एकुमुलेशन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे हम प्रॉस्पेरिटी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम एकुमुलेशन बोलेंगे क्योंकि वेल्थ की बात हो रही है। तो ह्यूमन बींग एक सामने वाले व्यक्ति को देखता है कि उसके पास बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटीज हैं, देखने के बाद वो प्रयास करता है, कई बार प्रयास करता है लेकिन उतनी फिजिकल फैसिलिटी का एकुमुलेशन नहीं कर पा रहा, तो कई बार वो डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत से लोग जो है बात को अपने सेल्फ एस्टीम पे ले लेते हैं, और कई बार लोग जो है वो सुसाइड भी कर लेते हैं। पोस्ट के बेस पर डिफ्रेंसिएशन देखें, तो जनरली यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है, और जो लोअर पोस्ट पे जनरली लोग होते हैं उनके अंदर कई बार डिप्रेशन भी देखने को मिला है। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन इस इसमें फाइट, टेररिज्म, वॉर, इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं। और संप्रदाय के बेस पे देखें तो काउंटलेस रिलीजन एंड सेक्ट, एंड ईच सेक्ट हैज इट्स ओन मूवमेंट टू एंश्योर दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल ऑफ देयर बिलीव्स। तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं वर्ड में, है ना, और वो डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच में विरोध हमेशा होता रहता है, और वो एक धर्म के लोग आपस में चाहते हैं, वो आपस में तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते लेकिन जब दूसरे धर्म की बात आती है तो वहां पे भेदभाव जो है शुरू हो जाता है, और फिर डिमांड होने लगती है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर कास्ट को, है ना, जॉब्स में और एजुकेशन में जो है स्पेशल प्रोविजंस दिए जाए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंशिएशन पे। अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो तभी नहीं होगा जब मैं ये समझ पाऊंगा या सभी लोग समझ पाएंगे कि सामने वाला मेरे जैसा है, और जब सामने वाला मेरे जैसा है, सिमिलर है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, और जहां पे रिस्पेक्ट होगा वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब देखिए एक डिफरेंस देख लेते हैं, अटेंशन और रिस्पेक्ट।
बहुत से लोग क्या है, डिफरेंट तरह के काम करते हैं, है ना, प्रसिद्धि कमाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कुछ लोग माउंटेन पे चढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो है हॉट चिलीज खा लेते हैं, कुछ लोग वॉर्म्स तक खा लेते हैं, टीवी पे आपने देखा होगा। कुछ लोग जो है फेम पाने के लिए डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, कुछ अपने पूरे हेड के जो बाल हैं है ना उनको कटवा लेते हैं, या डिफरेंट स्टाइल में अपने हेयर कट रखते हैं। ठीक, तो एक्चुअल में वो चाहते हैं कि ये सब काम करने से क्या होगा, उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में वो रिस्पेक्ट नहीं होती, वो अटेंशन होता है ना। लोग समझते हैं कि लोग उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, अटेंशन होता है। दिस इज ओनली अटेंशन एंड दैट यू कैन नॉट एंश्योर द फीलिंग ऑफ बीइंग इन रिलेशनशिप। यहाँ पे सिर्फ अटेंशन हो रहा है, रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो आप उस पर्सन के साथ रिलेटेड फील नहीं करोगे। द फीलिंग ऑफ राइट इवेल्यूएशन एंड रिस्पेक्ट इन द अदर, और वहां पे राइट इवेल्यूएशन और रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं आएगी। पीपल आर अनकंफर्टेबल इनसाइड सिंस दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट। और ऐसे लोग जो होते हैं जनरली वो अंदर ही अंदर है ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनके सेल्फ में कहीं ना कहीं टेंशन चल रही होती है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि उन्हें जो है रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन अगर मैं अपना रिलेशन देख पा रहा हूं सामने वाले के साथ है ना, तो मैं उसको वैसा ही एक्सेप्ट करूंगा जैसा वो है, तो मैं क्या करूंगा, उसका रिस्पेक्ट करूंगा। आई एक्सेप्ट यू फॉर व्हाट यू आर, जैसे सामने वाला पर्सन है मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करूंगा। यू डोंट हैव टू डू समथिंग स्पेशल टू अर्न दिस रिस्पेक्ट फॉर मी। सामने वाले पर्सन को कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है मेरा अटेंशन पाने के लिए या मेरी रिस्पेक्ट पाने के लिए। जब मैं सामने वाले का राइट इवेल्यूएशन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उसको अलग से स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे मैं तो हैप्पी रहूंगा ही, सामने वाला जो पर्सन है वो भी हैप्पी रहेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।